हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उसका लास्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में करा था क्या डिस्टिलेशन पढ़ा था ना। लास्ट टॉपिक डिस्टिलेशन के दो टाइप्स बताए थे, सिंपल एंड फ्रैक्शनल। सिंपल हमने पढ़ लिया था, सिंपल में हम उस मिक्सचर को लेते हैं जिसके कॉम्पोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट लार्ज होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आज हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी एंड वैल्यू एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड क्लास सेवन्थ का कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट अप टू डेट है, आप अपडेटेड है ऑलरेडी, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा अपने भाई बहनों के साथ और क्लासमेट्स के साथ। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। इट इज़ यूजुअली यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ होता है जब ऐसा मिक्सचर हो आपके पास जिसमें लिक्विड्स तो हैं बट उसमें दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज इवन वैन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज नॉट मच। इस प्रोसेस का आप इफेक्टिवली तब भी यूज़ कर सकते हैं इवन वैन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स, उस कॉम्पोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक ऐसे मान लीजिए ये है और बीच बीच में बैरियर्स बने हुए हैं, और वन या फिर ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है दैट इज़ फिल्ड विद ग्लास बीड्स, जो ग्लास बीड्स से भरा हुआ होता है एंड प्लेस्ड ऑन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर प्लेस करते हैं, रखते हैं, ओके। ऑन हीटिंग द मिक्सचर, जब हम मिक्सचर को हीट करते हैं, वेपर राइजेस, वेपर्स जो होते हैं उस मिक्सचर में वो राइज करते हैं एंड रीच द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाते हैं। आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसमें बीड्स भरी हुई हैं और ये फ्लास्क में आपका मिक्सचर है। आपने हीट किया, वेपर्स राइज हुए और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गए। इस कॉलम के अंदर दे कंडेंस रिपीटेडली ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्स्ट्रक्शंस और द ग्लास बीड्स। जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस या ग्लास बीड्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने पर वो रिपीटेडली कंडेंस हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक स्लो प्रोसेस तो होती है बट ड्यू टू रिपीटेड डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें बार बार रिपीटेडली डिस्टिलेशन होता रहता है, द कॉम्पोनेंट्स ऑप्टेंड आर वेरी प्योर। तो इसमें जो कॉम्पोनेंट्स हमें ऑप्टेन होते हैं, जो हमें कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं, वो बहुत प्योर मिलते हैं। द कॉम्पोनेंट विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस फर्स्ट। जिस कॉम्पोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपका लोएस्ट रहता है वो सबसे पहले वेपराइज हो जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द कॉम्पोनेंट्स आर कलेक्टेड। और इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करा जाता है जब तक सारे कॉम्पोनेंट्स कलेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। आगे देखिए आपको क्या बोल रहा है। होप आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा, और आपने लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, उसमें भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स कंप्लीट करी थी। इवेपोरेशन भी करा था हमने, सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं वो भी पढ़ा था, और डिस्टिलेशन का एक पार्ट पढ़ लिया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही हो गया है। आगे क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज मेनली यूज इन सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट्स लाइक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ये सभी कंपोनेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोलियम को हीट किया जाता है अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, एंड इट्स वेपर्स आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और उसके वेपर्स को एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से क्या कर दिया जाता है, पास करवाया जाता है, ठीक है। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे कंडेंस अकॉर्डिंगली इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब उनका टेम्परेचर आ जाता है, जो उन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो कंडेंस हो जाते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज़ आउटलेट्स एट डिफरेंट हाइट्स टू कलेक्ट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं जहाँ से वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, आ जाते हैं, बाहर आते हैं और उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है,
ये फर्नेस है जिसे हम भट्टी बोलते हैं, फिर इसमें क्या हुआ, ये क्रूड ऑयल यहाँ से पास हुआ, हीट हो रहा है ये, ठीक है, हीट हुआ यहाँ पर आपका 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ से जो भी कंपोनेंट आता जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया तो फ्यूल ऑयल आपका क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। 300 डिग्री सेल्सियस आया तो डीजल कलेक्ट हो गया, सॉरी 370 डिग्री, 300 आया तो केरोसिन, 200 आया तो गैसोलीन एंड 150 आया तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिल गई। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का प्रोसेस होता है। इसमें टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोवाइडेड दैट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज 25 डिग्री सेल्सियस और मोर। दो लिक्विड जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, ये बात बताकर कि एक कंडीशन बताई हुई है कि उनमें जो डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का वो या तो 25 डिग्री सेल्सियस हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इन अ सिमिलर वे। और ऐसे ही तरीके से जो क्रूड ऑयल होता है उसी से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सभी कलेक्ट कर लिए जाते हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखा। ओके, होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी को बोलते हैं। और नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपने डाउट बताइए, आपको कैसी लगी वीडियोस। आपको ऑलरेडी पता है हम फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी हमारी चल रही है, उसके बाद हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस मंथ में हमारा टारगेट है कि हम फिज़िक्स एंड आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दें, ठीक है, आज से 1 मंथ तक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्द से जल्द, अदरवाइज़ आपको कोई मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है या मेन चैप्टर है आप वो बता सकते हैं हमें। हमारी नेक्स्ट क्या टेक्निक है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करके क्या करना, सेपरेशन करना। कैसे करोगे, इफ द मिक्सचर कंटेन्स मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स विच नीड टू बी सेपरेटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स इज यूज। अगर मिक्सचर ऐसा है आपके पास जिसमें मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है, उन्हें सेपरेट करना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स आपकी यूज़ करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड आयोडीन, अगर हमारे पास मिक्सचर है सैंड, सॉल्ट एंड आयोडीन, दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हो गए ना, तो हम फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वी कैन फर्स्ट यूज सब्लिमेशन टू सेपरेट द आयोडीन फ्रॉम द सॉल्ट एंड द सैंड। आप सब्लिमेशन की प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर से आयोडीन को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। फिर क्या कर सकते हो, वी कैन देन एड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को, आपने आयोडीन तो अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, सैंड एंड सॉल्ट में आप वाटर मिक्सचर, वाटर को ऐड कर दीजिए, सॉल्ट जो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, वाइल सैंड आपकी डिजॉल्व नहीं होगी। वी कैन यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज़ करके आप सैंड को सॉल्ट सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर कर लेंगे तो ऑब्वियसली सैंड आपका सेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन आपका नीचे आ जाएगा। फिर इवेपोरेशन की आप प्रोसेस करवा सकते हैं जिससे आपका सॉल्ट जो है सेपरेट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स आपने इसमें यूज़ करी, ठीक है। इसी के अंदर हमारी एक टेक्निक आती है क्रोमेटोग्राफी। क्या आती है, क्रोमेटोग्राफी। द वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज रिलेटेड टू कलर। ये जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड होता है ये आपका कलर से रिलेटेड होता है, जिसमें क्रोमा जो हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं उसका मीनिंग होता है आपका कलर। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे यूज़ किया जाता है मिक्सचर के कलर्ड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, इन विच जिसमें सारे कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो आपके सेम सॉल्वेंट में क्या हैं, सॉल्यूबल हैं, लेकिन उनकी सॉल्यूबिलिटी का जो लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सचर के कलर्ड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, जिसमें सारे कॉम्पोनेंट्स आपके सॉल्यूबल होते हैं सेम सॉल्वेंट में, बट उनकी सॉल्यूबिलिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आपको अभी और क्लियर हो जाएगी। ब्लैक इंक इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ब्लैक इंक जो बनती है वो बहुत सारे, एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स डिजॉल्व्ड होते हैं आपके एक ही सॉल्वेंट में, एक ही सॉल्वेंट में आपके बहुत सारे कलर्स जो होते हैं मिक्स होते हैं और तब ब्लैक इंक बनती है, ठीक है। एक ही सॉल्वेंट यानी एक ही बेस में दीज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो आपने यूज़ किया इंक बनाने के लिए, उसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वो सॉल्युबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। तो ये डिफरेंट लेवल जो इनका सॉल्युबिलिटी का होता है इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, तो वो हम क्रोमेटोग्राफी की मदद से क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं।
The method is based on the difference in the rate of absorption of different components on the surface of different adsorbents such as paper or silica gel. ये जो मेथड होता है ये बेस्ड रहता है आपके किस चीज़ पर, ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. जो मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका एड्सॉर्प्शन किस रेट से हो रहा है, किस चीज़ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्बेंट यानी कि जिस सरफेस पर आप उस कलर को आप सेपरेट करोगे, जैसे पेपर लिया या सिलिका जेल लिया तो उसी पर तो आप कलर्स को सेपरेट करोगे. द डिफरेंस इन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये जो डिफरेंस होता है एड्सॉर्प्शन का रेट जो होता है आपका डिफरेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डिफरेंट होता है कंपोनेंट्स का. कौन से कंपोनेंट्स का, उस मिक्सचर के. एड्सॉर्प्शन इज द डिपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट एज अ थिन फिल्म ऑन अ सॉलिड. एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन होता है, इकट्ठा होना होता है एज अ थिन फिल्म ऑन अ सॉलिड. थिन फिल्म यानी कि एक पतली सी लेयर बन जाती है एक सॉलिड पर, तो उसी को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन. और हमारी नेक्स्ट टेक्निक है इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हमारी आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी. When a dot of black ink is placed on paper, आपने एक पेपर लिया उस पर ब्लैक इंक की डॉट रखी एंड द पेपर इज डिप्ड इन वाटर, और उस पेपर को आपने वाटर में डिप किया, वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व करेंगे दैट वाटर राइजेज ऑन द पेपर. वाटर जो है पेपर जो है वो आपको वाटर को सोक करेगा, सोक करेगा तो वाटर का वो गीला हो जाएगा पेपर एंड द इंक डॉट डिजॉल्व, और इंक की जो डॉट होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी एंड राइजेज अलॉन्ग विद द वाटर, और वाटर के साथ क्या हो जाएगी वो ऊपर आने लग जाएगी. Some colors which are more attracted to the paper than to the water stick to the paper, so separating from the mixture. कुछ colors जो ज़्यादा attracted होंगे paper से, ठीक है, water के comparison में, तो वो colors stick हो जाएंगे उस paper से, thus separating from the mixture, और mixture से वो separate हो जाएंगे. इस तरीके से all the colors keep separating at different heights on the paper. तो सारे जो colors होंगे वो different different heights पर paper में क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उनकी वाटर में क्या सॉल्युबिलिटी है उसके बेसिस पर. द कलर्स विद द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, वो कलर्स जिनकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वो मैक्सिमम यानी कि ऊपर तक आएंगे और लास्ट में सेपरेट हो जाएंगे. दस वी ऑब्टेन अ रेंज ऑफ कलर्स ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसमें रेंज ऑफ कलर्स आपको मिल जाएंगी. हियर द वाटर एक्ट एज मोबाइल फेज एंड पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज. अभी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होता है, दो तरह के फेज होते हैं. मोबाइल फेज यानी मूविंग फेज होता है, वाटर तो इसमें मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और पेपर क्या है आपका स्टेशनरी है, रुका हुआ है ना, स्टेबल है, उसे तो हम मूव थोड़ी कर रहे हैं. तो वाटर आपका मोबाइल फेज की तरह काम करता है और पेपर आपका स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है. इन क्रोमेटोग्राफी देयर इज अ मोबाइल फेज, उस मोबाइल फेज को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है. क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस में आपका मोबाइल फेज होता है सॉल्वेंट दैट मूव्स ऑन द स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज पर क्या करता है, मूव करता है मिक्सचर के साथ. इसी प्रोसेस में अभी आपने देखा ना क्या हो रहा है, मोबाइल फेज कौन सा था आपका वाटर, तो वाटर आपका मूव कर रहा था ना पेपर पे, ऊपर जा रहा था, राइज कर रहा था. कंपोनेंट्स विद हायर अट्रैक्शन फॉर द स्टेशनरी फेज स्टिक टू इट, जिन कंपोनेंट्स का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा स्टेशनरी फेज की तरफ वो से स्टिक हो जाएंगे और सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे, वाइल कंपोनेंट्स जिनकी हायर सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्वेंट में वो उसके साथ मूव करेंगे और लास्ट में क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का एक ही टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी. बहुत सारे दूसरे टाइप्स भी है क्रोमेटोग्राफी की, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये अभी आपकी में नहीं है. आपको सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक समझनी है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है. इसमें आपने क्या किया था, बीकर लिया, उसमें आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट आपने यहाँ पर क्या लिया था, जो मोबाइल फेस था आपका वाटर, ठीक है. फिर आपने एक फिल्टर पेपर लिया, उस पर आपने ब्लैक इंक की डॉट रखी, फिर जैसे जैसे आपने उसमें डिप, उसमें आपने उसे डिप कर दिया, वाटर उसने सोक किया, तो वाटर राइज हो रहा है, और जहाँ पर जिसकी हायर अट्रैक्शन होगा ना पेपर के रिगार्डिंग, तो वो पेपर से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और इंडिविजुअल पिगमेंट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मिल जाएंगे, जो ब्लैक इंक में आपके क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे.
ठीक है। अब यहाँ पर आप अमेजिंग फैक्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज टू स्टडी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लांट पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल। क्रोमेटोग्राफी का जो पहले सबसे पहले यूज़ किया गया था वो इसलिए यूज़ किया गया था टू स्टडी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लांट पिगमेंट्स के कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करने के लिए। प्लांट पिगमेंट्स में कौन सा होता है, जैसे क्लोरोफिल। इट वॉज फाउंड टू बी अ सुपर टेक्निक फॉर स्टडिंग एंड सेपरेटिंग ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जब ये टेक्निक पढ़ी यूज़ करी जा रही थी प्लांट पिगमेंट्स की स्टडी करने के लिए, तो ये देखा गया कि एक बहुत ही सुपर टेक्निक है जिससे सभी टाइप के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करा जा सकता है और स्टडी करा जा सकता है। नाउ अडेज, और आज की डेट में इट इज़ वाइडली यूज इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग सैम्पल्स टेकन फ्रॉम क्राइम सीन्स। क्राइम सीन एरिया से जो सैम्पल्स लिए जाते हैं वो इस फॉरेंसिक साइंस लैब में यूज़ किया जाता है इसी टेक्निक को, जिससे उन सैम्पल्स से क्या यूज़ किया निकाले जाते हैं प्रूफ। एंड इन पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फॉर आइडेंटिफाइंग स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन पॉल्यूटेंट्स इन एयर एंड वर्क सैम्पल वाटर सैम्पल्स। और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस। स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस वाले जो अननोन पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके एयर में और वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का आज भी यूज़ किया जाता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट सारी अपडेटेड हैं, और भी क्लासेस का हमने थोड़ा सा मैटर स्टडी करवाया हुआ है। देखिए हमें बताइए कमेंट करके आप कैसा लगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू।